हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक अम्ब्रेला कटिंग वाला बेल स्लिप्स बनाएंगे, तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पे दो कपड़ा लिया है और उसको अच्छे से डबल फोल्ड करके रख लीजिए। और इसका विड्थ है, मैं फोल्ड करने के बाद 9 इंच, और उसका लेंथ ले रही हूँ 10.5। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ 3 इंच पे एक मार्क कर लीजिए। अब टेप को दूसरी साइड ऐसे डाउन पे रख के फिर से 3 इंच पे एक मार्क कर लीजिए। अब एल्बो के ऊपर स्लीव्स के लिए मोहरी मेजरमेंट करके मैं यहाँ पे 6.5 ले रही हूँ। टोटल मार्जिन के साथ यहाँ पे मैं मार्जिन 1 इंच लिया है, तो 6.5 पे ऐसे मार्क करके और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही ईजी है, कोई भी बिगनर्स इसे आसानी से स्टिच कर सकते हैं। अब इसके बाद ऐसे स्लीव्स को स्लीव्स की डिजाइन डालते हुए ऐसे मार्किंग पे ऐसे जॉइंट कर लीजिए। और फ्रंट के लिए 1 इंच में डीप ले रही हूँ। अब इस मार्क पे कटिंग कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। और ये जो 1 साइड मैं नीचे फ्रंट के लिए लिया था मार्क पे, यही मार्क पे कटिंग करके अलग कर लीजिए। ये करने से हमारे फ्रंट की स्लीव्स की बहुत ही सुंदर दिखता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हमारा नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग हो गया और उसका जो ऊपर की साइड सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर पर ऐसे छोटा सा कट लगा रही हूँ। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये दूसरे कपड़ा जो मैं यहाँ पे लिया था, ये भी मैंने 2 लिया है और ये एक स्क्वायर टाइप का कपड़ा है और उसका लेंथ विड्थ टोटल में 16 इंच लिया है। अब इसको अच्छे से फोर्थ फोल्ड कर लीजिए। फोल्डिंग हमारा अच्छे से आना चाहिए। और इस कॉर्नर पे साइड हमें मार्क करेंगे, तो कॉर्नर मार्क करने के लिए मैं टेप को 12 इंच पे मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ। हमारे मोहरी जितना है उतना ही हमारा ये वाला कटिंग होना चाहिए, तो मैं 12 इंच पे ऐसे टेप को फोर्थ फोल्ड कर रही हूँ। और फोर्थ फोल्ड करने के बाद ये टैप को ऐसे कॉर्नर की साइड ऐसे रख के दोनों साइड पे ऐसे मार्क करूँगी। ऐसे अच्छे से मार्क कर लीजिए और एक गोलाई की शेप दे दीजिए। और यहाँ पे हम जिस पे मार्क कर रहे थे उसके ऊपर 1/2 इंच ऊपर एक और एक मार्क करेंगे और इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे, ताकि हमारा 1/2 इंच सिलाई पे चला जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे 6 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। ऐसे 6 इंच पे मार्क करते करते दूसरी एंड तक मैं एक जॉइंट करूँगी। ऐसे 6 इंच पे ऐसे मार्क करते जाऊँगी। यहाँ पे मार्क कर लिया और एक गोलाई की शेप दे दिया और इस लाइन के ऊपर कटिंग कर लीजिए। और इसी तरह हमारा बेल स्लीव्स की कटिंग हो गया। आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 स्लीव्स की कटिंग कर लिया। और इस डिज़ाइन की तरह मेरे चैनल पे सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, हाई लो कटिंग वाला स्लीव्स बना हुआ है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अब इस स्लीव्स की इसके जो किनारे पे है उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और आप चाहे तो इस पर पिको भी कर सकते हैं। पिको करने से और भी अच्छा दिखेगा।
और देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको हमारे मेन स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो मेन स्लीव्स को हमें पहले सिलाई कर लेंगे, दोनों साइड्स पे ऐसे फोल्ड करके जॉइंट कर लेंगे, ऐसे जॉइंट करके यहाँ पे एक सिलाई कर लीजिए। सिलाई यहाँ पे कर लिया, अब इसको इस गोलाई के साथ अटैच कर लेंगे। तो मोहरी की साइड पे इसको अटैच करेंगे ऐसे हमारी स्लीव्स की राइट साइड पे, और ये जो गोलाई है सर्कल है इस कपड़े को राइट साइड के अंदर की तरफ रहेगा, और दोनों को ऐसे किनारे पे सिलाई कर लेंगे। आपको कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो एक दो प्लीट्स यहाँ पे डाल सकते हो। और इसी तरह मैं यहाँ पे सिलाई कर लिया है, और ये जो बेल स्लीव्स मेरे अच्छे से बन के तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।